क्या खूबसूरत नजारा है, कलकल बहता पानी और हरा भरा जंगल। लेकिन यह क्या, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अरे बाप रे, ये तो जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन किस लिए? अच्छा, तो इन्हें ईंधन चाहिए खाना पकाते समय चूल्हे में जलाने के लिए। लेकिन ईंधन के लिए इसी तरह पेड़ काटे जाते रहे तो एक दिन हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे। क्या खाना पकाने के लिए हमारे पास दूसरे विकल्प हैं? हाँ, है ना, बायोगैस। यदि बायोगैस का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जंगल नष्ट होने से बच सकते हैं। पालतू पशुओं के गोबर से तैयार होने वाली गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इसे ही बायोगैस कहा जाता है। गांव में खाना पकाने के लिए बायोगैस सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ना जलाओ लकड़ी की जरूरत और ना धुएं की परेशानी। आज तो वातावरण में असंतुलन दिखाई दे रहा है, इसे संतुलित बनाने के लिए जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए वाटर संस्था ने वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में बायोगैस उपकरण दिए। आइए पहले हम समझ ले कि ये बायोगैस उपकरण काम कैसे करता है। बायोगैस उपकरण के मुख्य तीन भाग होते हैं, पहला इनलेट चैम्बर, दूसरा गैस चैम्बर और तीसरा आउटलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर में गोबर डाला जाता है जो आगे जाकर गैस चैम्बर में पहुंचता है। यहाँ गोबर पर रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे गैस तैयार होती है और जो इस पाइप के माध्यम से सिगड़ी तक पहुंचते हैं। प्रक्रिया होने के बाद बचा गोबर इस आउटलेट से बाहर आता है। 4-5 सदस्यों वाले परिवार को 2 घन मीटर का बायोगैस उपकरण पर्याप्त है। उपकरण का निर्माण पूरा होने के बाद इसे शुरू करने के लिए इसमें 2000 किलो गोबर और 2000 लीटर पानी डालकर रखना पड़ता है। ऐसा करने से 5-6 दिन बाद गैस तैयार होने लगती है। इसके बाद रोजाना बायोगैस के लिए 50 किलो गोबर और 50 लीटर पानी डालना पड़ता है। ऐसा करने से दिन भर लगने वाली गैस तैयार होती रहती है। इस गैस को हम सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार यह साफ सुथरी और स्वस्थ दायक गैस हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जलावन बिनकर लाना पड़ता था, अब नहीं लाना पड़ता। इससे बर्तन काले नहीं होते हैं, धुआं नहीं होता है। हमें साल भर में 3 गैस सिलेंडर लगते थे, अब नहीं लगेंगे। खाना पकाने के अलावा भी बायोगैस का एक और फायदा है। बायोगैस उपकरण में प्रक्रिया होने के बाद निकला हुआ गोबर जैविक खाद के रूप में खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है। क्या स्लरी मधुर? गोबर की स्लरी खाद का इस्तेमाल मैं चारे की फसल लेने के लिए करता हूँ। मोटर पंप से चारा फसलों की सिंचाई करते समय मैं पानी के साथ मिलाकर यह गोबर खाद देता हूँ और दूसरे किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। इस खाद की वजह से चारा कमर की ऊंचाई तक बढ़ता है। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करने की वजह से फसल को नुकसान नहीं होता और उत्पादन भरपूर होता है। बायोगैस संयंत्र से बाहर पड़ने वाली गोबर की स्लरी सिंचाई के पानी के साथ इस चारा फसल को दी जाती है। इस खेत के किसान का कहना है कि रासायनिक खाद की एक खुराक के लिए करीब 2500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन किसान ने पिछले 2 सालों से इस खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करते हुए पैसों की भारी बचत की है। इन्वेस्टमेंट या शेतकऱ्यांनी या माध्यमातून केली जाए। बायोगैस के इन सभी फायदों के साथ ही इसके उपकरण के निर्माण से भी कुछ ग्रामीणों को रोजगार के रूप में फायदा हुआ है। वाटर संस्था ने गाँव के ही मिस्त्रियों को इस उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिया है। एक उपकरण बनाने के लिए एक मिस्त्री को 3,750 रुपये मजदूरी मिलती है। मैं पहले मिस्त्री काम किया करता था, फिर वाटर संस्था ने मुझे बायोगैस संयंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद हमने संगमनेर एरिया में 5-6 संयंत्र बनाए हैं। ये पहला संयंत्र है जिसके पूरा होने के बाद गैस चूल्हा जलाना शुरू हुआ है। हम इसमें कामयाब हुए हैं।
संयंत्र बनाना शुरू करने से मेरी कमाई बढ़ने लगी। बायोगैस के इस्तेमाल से 5 सदस्यों वाला एक परिवार एक साल में 2100 किलो लकड़ी को जलने से बचा सकता है, यानी साल भर में हम बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही हम 2730 किलो घातक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के धुएं को वातावरण में फैलाने से रोक सकते हैं। दूसरी ओर जो परिवार गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें साल भर में 5 सिलेंडर लगते हैं। आज के बाजार के भाव से हिसाब लगाया जाए तो एक सिलेंडर के 500 रुपये होते हैं। इस हिसाब से उस परिवार के साल भर में 2500 रुपये बचते हैं। यानी बायोगैस का इस्तेमाल करने से हमारे पैसों की बचत तो होती ही है, साथ ही हमारे अनमोल जंगल भी नष्ट होने से बचते हैं।